ओ खाओ खिलाओ रिश्ते बनाओ रिश्ते बनाओ, चाय मीठा या नमकीन खिलाओ। अरे राजभोग या कोई मिठाई, सोन पापड़ी क्या बात है भाई। अरे भुजिया पापड़िया चटपटी, स्वाद लो नमकीन का। बीका राम जान मल है स्वाद बीकानेर का, स्वाद बीकानेर का। का एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो ले राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपनी प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर, आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंग और आप देख रहे हैं बीकानेर अब तक न्यूज। आज के संक में हम देखेंगे कि महारानी पद्मा कुमारी की शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह भी पहुंचे। इनके अलावा उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस अनर्गल आरोप लगा रही है, वह अपने गिरेबान में झांक करके देखें और ऐसा आरोप लगाने वाले अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। गर्मी की वजह से दोपहर में सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा और कोरोना का कहर बीकानेर में जारी। नोखा में 3 और बीकानेर में 3 पॉजिटिव मिलने से आंकड़ा पहुंचा 138 पर, वहीं 1 कोरोना पॉजिटिव महिला की हुई मौत। और इसके अलावा हम देखेंगे कि बीकानेर में किस तरह से अब जनजीवन सामान्य हो रहा है, लेकिन पहले डाल लेते हैं एक नज़र आज दिन भर की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे जूनागढ़, महारानी पद्मा कुमारी को दी श्रद्धांजलि। बीकानेर में कोरोना का कहर जारी, 6 और नए पॉजिटिव मरीज मिले, वहीं 1 पूर्व पॉजिटिव महिला की हुई मौत। जामानी आदर्श ग्रुप के द्वारा खाद्य सामग्री का किया जा रहा है वितरण। कृषि विश्वविद्यालय में ऑनलाइन वेबिनार का हुआ आयोजन। 21 जून को होगा सूर्य ग्रहण, सुबह 10:11 पर लगेगा सूर्य ग्रहण, वही 1:37 पर होगा खत्म। और पब्लिक पार्क दिखाई दे रहा है खस्ता हाल, तीनों ही मुख्य दरवाजे क्षतिग्रस्त। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बातचीत करें COVID-19 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी 2 दिन राहत मिलने के साथ ही जहां बीकानेर में एक बार फिर से कोरोना का कहर बढ़ा है, कोरोना का बम विस्फोट हुआ है। 6 पॉजिटिव मरीज आने से जहां प्रशासन हरकत में आया है, वहीं अब बीकानेर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 138 पहुंच गई है। इसके साथ साथ पूर्व में एक संक्रमित महिला की आज मौत हो जाने से बीकानेर में मौत का आंकड़ा 7 पर पहुंच गया है। कुल मिलाकर के कोरोना COVID-19 के बचाव के लिए हम लापरवाही न करें और इस बात को हम दिमाग में बिठा लें कि अगर हम लापरवाही करेंगे तो हम बिस्की जद में आ जाएंगे। अभी हालांकि अनलॉक 1.0 चल रहा है, जिसके चलते बाजार खुले हैं, दुकानें खुली हैं, बीकानेर में लोग अब आने जाने लगे और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किसी भी सूरत में आप लापरवाही न करें और इस गफलत में न रहें कि कोरोना आपको नहीं हो सकता। न जाने कौन कब कहां से कोरोना का वायरस आपको पहुंचा देगा, ये आपको एहसास ही नहीं होगा। एडवाइजरी का पूरी तरीके से पालन करें, अभी भी सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहने की कोशिश करें। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह बीकानेर पहुंचे। बीकानेर पहुंचने के साथ ही उन्होंने जूनागढ़ में जहां महारानी पद्मा कुमारी को श्रद्धांजलि व्यक्त की, वहीं वे बीकानेर पूर्व क्षेत्र के विधायक सुशील सिंह कुमारी से भी मिले और उनके प्रति उन्होंने न केवल संवेदना जताई और इसके साथ साथ कई और भाजपा जन के कार्यकर्ता और नेता उनके साथ में शामिल थे। पहले हम आपको दिखाते हैं जूनागढ़ में किस तरह से गजेंद्र सिंह जो है वो पहुंचे और उन्होंने सिद्धी कुमारी से मिल करके उनकी माताजी के निधन पर संवेदना व्यक्त की और पद्मा कुमारी जी के चित्र पर पुष्पांजलि करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।
श्रद्धांजलि से निकलने के पश्चात पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत के दौरान राज्यसभा चुनाव को लेकर के और अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो है वह ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं और खास बात यह है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वे अपनी राजनीति चमका रहे हैं। देखें राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के आरोपों को लेकर के क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने। हम सब लोग इस दुख की घड़ी में परिवार का सदस्य होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी परिवार का सदस्य होने के नाते, मेरा जैसा व्यक्तिगत संबंध आदरणीय सिद्धू कुमारी जी से है, उसके नाते निश्चित रूप से हम सभी को इस दुख में सहभागिता करनी चाहिए। पारिवारिक विषय कौन दे रहा है और किसको दे रहा है, जो लोग इस तरह की बातचीत कर रहे हैं कम से कम उनको वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए कि इस व्यक्ति को इस व्यक्ति ने पैसा देने का उद्देश्य किया है। बिना सिर पैर के घोड़े दौड़ाना, मुझे लगता है कि कई लोगों को अपना राजनीति बचाए रखने का यही विकल्प बच गया है। विधायकों के साथ में जो फ्री प्रेस की बात, जो अपराध बोध से ग्रसित हो, न तो हमने इस तरह का कोई विचार है न किया है न कोई, जैसा मैंने कहा कि न सिर है और न पैर है, फिर भी घोड़े दौड़ रहे हैं। जामवाणी आदर्श ग्रुप के द्वारा कोविड 19 महामारी के चलते हुए जहां जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है वो आज भी जारी है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जामवाणी आदर्श ग्रुप के द्वारा अपने सामाजिक सरोकारों से न केवल उन्होंने अपना जुड़ाव रखा है बल्कि कोविड 19 इस महामारी में उन्होंने जरूरतमंदों तक सहायता भी पहुँचाई है। दिखाते हैं हम आपको उनके द्वारा दी जा रही खाद्य सामग्री वितरण के कुछ संपादित अंश। वहीं हमने जामवाणी आदर्श ग्रुप के पदाधिकारी से की इस बाबत विशेष बातचीत। कोरोना मुहिम के अंतर्गत जामवाणी आदर्श ग्रुप द्वारा पिछले 3 महीने से लगातार अब तक करीब 1400 परिवारों को राशन किट उपलब्ध कराया गया है। इसमें हमारे आनंद जी मित्तल मेरे ये सहयोगी हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सहयोग दिया है। बाकी जन समुदाय से जो भी सहयोग मेरे पास में आता है हम तुरंत जरूरतमंद परिवारों को, जो गोपाल जी धोबी समाज के अध्यक्ष हैं, ये चिन्हित परिवारों को ही दिया जाता है। वास्तव में जिन लोगों के पास में अभी कामकाज नहीं है, जो औरतें घरों में बर्तन साफ करने के काम करते थे, जिनको अभी रोज़गार नहीं मिला है, ऐसे परिवारों को रेलवे स्टेशन पर ठेड़ी लगाने वाले काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको राशन की आवश्यकता है। बीकानेर के बड़ा बाजार क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं, अवैध निर्माण हो रहे हैं और ऐसा ही आरोप लगाया है पार्षद अजहर अली ने, जहाँ हवालों की मस्जिद में कुछ दरारें आई और आसपास के मकानों में भी दरारें आई है। उनका आरोप है कि वहां पर अंडरग्राउंड जो है उनका अवैध निर्माण किया जा रहा है और इसी बात की वे शिकायत करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। उन्होंने नारेबाजी की और साथ साथ उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया कि बड़ा बाजार क्षेत्र में जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उन पर तुरंत रोक लगाई जाए और जो नुकसान मस्जिद को और घरों में हुआ है उसकी भरपाई भी वो करें। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हसन अली के साथ में यहाँ पर रहने वाले लोग उन्हें नारेबाजी करते हुए इस नुकसान की भरपाई की मांग रखी। हमने यहाँ पर पार्षद हसन अली से की बातचीत। मस्जिद के आसपास में जो अवैध निर्माण कार्य हो रहे हैं उनके अंदर बड़े बड़े अंडरग्राउंड खोदे जा रहे हैं, उसकी वजह से मस्जिद प्लस आसपास के मकानों को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँची है और वो मकान और मस्जिद का बहुत बड़ा हिस्सा, लमसम 50% के करीब हिस्सा कभी भी डैमेज होकर के किसी के ऊपर गिर सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए प्रशासन ज्ञापन दे रहे हैं कि उसमें लोगों को पाबंद किया जाए, अवैध निर्माण कार्य रोके जाए, प्लस मस्जिद में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाई जाए। मोहल्ले के ही और समाज के लोग ही हैं, दूसरे कौन होंगे, लेकिन वो ये प्रशासन की देखरेख के अंदर ये लापरवाही के कारण ये काम हो रहे हैं तो उनको रोका जाए, उन पर कार्रवाई की जाए,
प्लस जो अवैध निर्माण उनको रोका जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खमा घनी हुकम। अरे आइए आइए घनी खम्मा। घनी खम्मा क्या आज्ञा है मेरे लिए? हमने सुना है आपके बीकानेर में भुजिया बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, प्रेम जी अग्रवाल के भुजिया है ना हमारे बीकानेर के। तो हमें नहीं खिलाओगी प्रेम जी अग्रवाल के भुजिये? क्यों नहीं हुकम, ये लीजिए। वाकई असली बीकानेरी भुजिया है। दिल की बात वही जानी जो स्वाद असली पहचानी। प्रेम जी अग्रवाल, रानी बाजार, इंडस्ट्रियल एरिया, बीकानेर। हमारा यही है जतन, रहे स्वस्थ तन स्वस्थ मन, पिए जो अमृत मंथन, स्वस्थ हृदय स्वस्थ पाचन, स्वस्थ काया स्वस्थ श्वसन। मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट का 80 वर्षों का अनुभव, हार्ट ब्लॉकेज कम करे और रक्तचाप नियंत्रित करे। अमृत मंथन, गैस और भारीपन में लाभकारी, अस्थमा और सांस की बीमारी दूर करे अमृत मंथन, जोड़ों का दर्द और गठिया से दिलाए राहत, घटाए वजन अमृत मंथन। मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट कंपनी, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर, कैलाश प्रोविजन स्टोर, कोट गेट बीकानेर, हेल्पलाइन नंबर 9251231230, विजिट www.mohanjiherbals.com। एसडीपी मेमोरियल स्कूल को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर कंडीशन्ड क्लासरूम्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, कवर्ड स्विमिंग पूल, वेल इक्विप्ड साइंस लैब, अट्रैक्टिव एंड एनहांस्ड लैंग्वेज एंड कंप्यूटर लैब्स, डांस एंड म्यूजिक रूम, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम विद अ ग्रेट अकोमोडेशन, सिस्टमैटिक एंड होलिस्टिक टीचिंग अप्रोच, इनकॉर्पोरेशन ब्रेन एक्सरसाइज एंड स्मॉल ग्रुप अप्रोच, कमिटेड एंड डेडिकेटेड फैकल्टी फॉर एक्सीलेंट एकेडमिक अचीवमेंट, इफेक्टिव स्टूडेंट टीचर रेशियो 25:1, stress free, bias and independent learning atmosphere, emphasis on playway methods for preschool, LKG, UKG and grade 1, admission open for nursery to 12th, SDP Memorial School, Sri Dwarkapuri, inside Jasusar Gate, Bikaner, new campus, sector 3, Muralidhar Vyas Nagar, Bikaner, mobile 9983995831, 9983322831, 9875273831, 9610447606। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया गया है। वेबिनार ऑनलाइन थी जिनमें तकरीबन देश भर के 300 से अधिक महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने पूरी जानकारी दी और बताया कि इस वेबिनार का उद्देश्य क्या है। उन्नत फसल और फसलों की तकनीकी प्रबंधन को लेकर के इस वेबिनार का आयोजन किया गया था। हमने बातचीत की आरपी सिंह से। कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन क्रॉप प्रोडक्शन ड्यूरिंग कोविड-19 विषय पर यह वेबिनार आयोजित किया गया है और इसमें विशेष रूप से कर्ण नरेंद्र सिंह, नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जामनेर के पूर्व कुलपति प्रोफेसर प्रवीण सिंह राठौर और ICR काजरी जोधपुर के निदेशक डॉक्टर OP यादव, कृषि विश्वविद्यालय कोटा के DSW डॉक्टर जितेंद्र सिंह और ICR नई दिल्ली के उद्यानिकी के वैज्ञानिक डॉक्टर PK सिंह इसमें मुख्य वक्ता हैं। और ये जो आज ये बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं बात करूं कि रिसर्च, जो रिसर्च की विजिबिलिटी कैसे बढ़े और किसानों तक रिसर्च उनके दरवाजे तक पहुंचे, तो इसके लिए हमको कार्य करने की आवश्यकता है, जिसमें हमारे रिसर्च साइंटिस्ट, किसान और कृषि विज्ञान केंद्र मिलकर हम सब लोग काम करेंगे, तो निश्चित ही किसानों के दरवाजे तक यह रिसर्च पहुंचेगी। यह हम बात करें कि अभी जो लॉकडाउन हुआ उस पीरियड में बहुत सारी सब्जियां, फल और फूल खराब हुए, पर इसमें भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों ने और साइंटिस्ट जो भी हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने एडवाइजरी जारी की और उसमें
मूल्य वर्धित उत्पाद उस पर ट्रेनिंग दी गई। 21 जून को रविवार को सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण के साथ ही जहां बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी है, बहुत सारे ज्योतिष के जानकार ये कह रहे हैं कि पिछला जो ग्रहण था उस ग्रहण से कोरोना नामक महामारी फैली थी और इस ग्रहण के बाद यह महामारी अब अपने समापन की ओर आगे बढ़ेगी। देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता है, लेकिन खगोलीय घटनाओं की जानकारी रखने का ज्ञान रखने वाले जो लोग हैं वे ऐसे लेकर के अलग अलग तरह के दावे और बातें कर रहे हैं। बीकानेर में भी पंचांगकर्ता अशोक गुप्ता के नेतृत्व में एक साथ जो पंडित हैं वह अनुष्ठान कर रहे हैं और हमारे प्रतिनिधि राजेश चंगानी ने यहां पर अशोक ओझा से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि रविवार को सूर्य ग्रहण होगा जो सुबह 10:11 पर लगेगा और दोपहर 1:37 पर खत्म होगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि तकरीबन 12 घंटे पहले इसका सूतक लग जाता है, जिनमें उन्होंने कई तरह के विधान और कुछ बातें जो है वो ध्यान रखने वाली हैं। इस तरह की बातों को लेकर के हमने पंडित अशोक ओझा से की विस्तृत रूप से बातचीत। दिखाते हैं हम आपको अशोक ओझा से बातचीत के संपादित अंश। देखिए, ये जो ग्रहण है मुख्यतः मिथुन राशि पर इसका योग बनने जा रहा है, तो खास करके मिथुन राशि वाले जो लोग हैं उनको इस ग्रहण में विशेष दान आदि करना चाहिए, अथवा जिनकी कुंडली में ग्रहण योग बना हुआ है तो उन व्यक्तियों को, उन जातकों को इस ग्रहण काल में विशेष दान आदि का ध्यान रखना चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए। साथ में सूर्य का दर्शन इस समय ग्रहण काल में उन जातकों को विशेष रूप से नहीं करना चाहिए। साथ ही इसके ये जो ग्रहण 10:11 से बीकानेर में प्रभावी रूप से दिखाई देगा तो इसका जो सूतक काल या वेद काल है वो 12 घंटे पूर्व शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में शनिवार को रात्रि में 10:11 से इसका वेद काल शुरू होने से और इसकी ग्रहण की जो समाप्ति है वो दोपहर में 1:37 होने जा रही है, तो ये बहुत बड़ा लंबा समय हो जाता है। तो इस समय जो व्यक्ति हैं, धार्मिक भावना वाले व्यक्ति हैं, वो किस प्रकार से देव आराधन करें, अपना भोजन आदि करें, इसके विषय में धर्म सिंधु हो अथवा निर्णय सिंधु हो, इसमें विशेष व्यवस्था है कि जो गृहस्थी लोग हैं वो 6 मुहूर्त पूर्व तक भोजन आदि ग्रहण कर सकते हैं। तो 6 मुहूर्त के हिसाब से 1 मुहूर्त का मान 48 मिनट मान के चलें तो 4:48 आता है। तो इस आधार पर प्रातः काल में 5:22 तक सभी जो गृहस्थी लोग हैं या तो भक्त लोग हैं वो अपना भोजन आदि अथवा जलपान चाय आदि ग्रहण करने के साथ में इस ब्रह्म मुहूर्त में अथवा उत्सवा काल में अपने भगवत आराधना, भगवान का पूजन कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का उनको दोष नहीं होगा। और उसके बाद में जो वृद्ध हैं या जो बीमार हैं या जो बालक हैं या ऐसे आतुर हैं जो नहीं रह सकते हैं, उनके लिए शास्त्रों में छूट दिया है कि वो ग्रहण के शुरुआत से पूर्व तक भोजन आदि कर सकते हैं। और लेकिन जो ग्रहण काल है विशेष, उसमें तो भोजन आदि का त्याग करना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में भगवत आराधन, मंत्र जाप, पूजन और हवन आदि का विशेष उल्लेख किया हुआ है। तो सभी भक्तजनों को इस महामारी के काल में अपने इष्ट का आराधन करके साथ में ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जल्द से जल्द हमारा जो ये देश है अथवा पूरी पृथ्वी पर जो ये संकट आया हुआ है, जिस प्रकार से सूर्य ग्रहण से मुक्त हो, उसी प्रकार से हमारा ये देश, ये पृथ्वी भी इस कोरोना नाम की महामारी से, इस राहु से मुक्त होकर के स्वच्छ हो जाए। बीकानेर में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया और इस गर्मी को देखते हुए बीकानेर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। हमारे कैमरा प्रतिनिधि राजेश चंगाणी ने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया। दिखाते हैं आपको दोपहर का दृश्य कि कैसे गर्मी की वजह से बीकानेर में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल रहा। और बात करते हैं बीकानेर के स्थापत्य को लेकर के, जहां सूर सागर और पब्लिक पार्क दोनों ही विदेशी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं, लेकिन इन दिनों पब्लिक पार्क जो है उसके तीनों ही मुख्य दरवाजे क्षतिग्रस्त हैं और वे बदहाली का शिकार भी हैं। हमारे कैमरा प्रतिनिधि राजेश चंगाणी ने इनको भी अपने कैमरे में कैद किया। हम आपको दिखा दें बीकानेर के आँखों का नूर, कोहिनूर कहा जाने वाला पब्लिक पार्क, उसके मुख्य दरवाजों की दयनीय स्थिति।
और अब बात करते हैं कोरोना कोविड 19 के चलते बीकानेर के लोग घरों में कैद हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने आरोग्य को बढ़ाने के लिए लोग खेल मैदानों की ओर, जिम की ओर जाने लगे हैं। वहीं पार्क में जॉगिंग के लिए भी जाने लगे हैं। नतोजर गेट के बाहर स्थित कपिल क्रीड़ा केंद्र पर भी अब लोगों की आमद रफ्त दिखने लगी है। कुल मिलाकर के शाम होते ही वहाँ लोगों का आना शुरू होता है। वहाँ पर जो ओपन जिम है वहाँ पर आकर के भी लोग हल्का फुल्का व्यायाम करने लगे हैं। स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, तो लोगों का शरीर स्वस्थ रहे, लोग फिट रहे, इसलिए ये जिम भी यहाँ पर लगी हुई है तथा इस आश्रम में आध्यात्मिक कार्य भी किया जाता है। यहाँ पर हमारी जो संस्कृति है, जैसे पाठ पूजा करना, रुद्री आदि लोगों को सिखाना, इस प्रकार का कार्य भी यहाँ पर होता है। और यहाँ पेड़ पौधे इसलिए लगे हुए हैं ताकि सबको ऑक्सीजन जो है वो प्राप्त होता रहे, ऑक्सीजन मिलता रहे, इस उद्देश्य से ये बनाया गया है। हाँ सर, और ये देख करके यहाँ की जो व्यवस्थाओं को चलाने वाले चंद्रशेखर चंगाणी हैं, उनसे हमने की बातचीत। यहाँ पर लॉकडाउन से पहले तो 1500 से 2000 आदमी रोज आते थे, अभी लॉकडाउन के दौरान 100-150 आदमी रोज आते हैं, रोज अपने स्वास्थ्य का लाभ लेते हैं। इसके अलावा काफ़ी लोग यहाँ पर सवेरे भी घूमने आते हैं, शाम को भी घूमने आते हैं, रात को 8 बजे तक यहाँ लगातार लोग आते जाते रहते हैं। इसके अलावा इससे काफ़ी लोगों को फायदा भी हुआ है, 2-3 पैरालाइज के जो केस हैं वो भी यहाँ पर आकर के एक्सरसाइज करते हैं और इन मशीनों का फ़ायदा उठाते हैं। ये UIT द्वारा लगाई गई मशीनें हैं। आगामी भी हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि यहाँ पर जो एक भ्रमण पथ का निर्माण करवाया जाए और एक यहाँ पर दोब लगा करके मैदान को तैयार किया जाए, छोटी मोटी लाइटें लगवाई जाए, जिससे इस पार्क को शहर के जो भीतरी इलाके में जो बना हुआ ये कपिल आश्रम है, जो कपिल जन कल्याण प्रन्यास ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है, और कपिल जन कल्याण प्रन्यास ट्रस्ट जो है ये पिछले 20 वर्षों से इसकी व्यवस्था देखभाल कर रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पानी की व्यवस्था भी थोड़ी कम है, तो पानी की। और चलते चलते डालते हैं नजर आज की खास खास खबरों पर। शेखावत पहुंचे जूनागढ़, महारानी पद्मा कुमारी को दी श्रद्धांजलि। बीकानेर में कोरोना का कहर जारी, 6 और नए पॉजिटिव मरीज मिले, वहीं एक पूर्व पॉजिटिव महिला की हुई मौत। जामानी आदर्श ग्रुप के द्वारा खाद्य सामग्री का किया जा रहा है वितरण। कृषि विश्वविद्यालय में ऑनलाइन वेबिनार का हुआ आयोजन। 21 जून को होगा सूर्य ग्रहण, सुबह 10:11 पर लगेगा सूर्य ग्रहण, वही 1:37 पर होगा खत्म। और पब्लिक पार्क दिखाई दे रहा है खस्ताहाल, तीनों ही मुख्य दरवाजे क्षतिग्रस्त। और इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण विचार। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय शी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए, नमस्कार।